ओके, सो नाउ दैट वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि टैग्स क्या होते हैं और आप इसको कैसे यूज़ करते हो, अब हम लोग सीखते हैं कि एक एक्चुअल एचटीएमएल वेब पेज को सही से कैसे लिखा जाता है. ठीक है, सो आई विल रिमूव दिस कोड बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ राइटिंग कोड. सो वेन एवर यू आर राइटिंग अ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, कभी भी आप कोई भी वेब पेज बना रहे हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड ऐड इज द डॉक टाइप. एक्चुअली यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, डॉक टाइप HTML. ओके, सो ये डॉक टाइप क्या बता रहा है? डॉक टाइप इज बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप. ओके, सो होता क्या है कि आपको ब्राउजर को बताना होता है कि दिस इज अ वैलिड HTML5 डॉक्यूमेंट. ओके, सो दिस इज अ वैलिड HTML5 डॉक्यूमेंट. इससे यही समझ में आ रहा है. ठीक है, नाउ यू माइट आस्क व्हाट इज HTML5, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. सो अपेरेंटली HTML5 इज द फिफ्थ वर्जन ऑफ HTML. इसके पहले देर वर डिफरेंट वर्जन्स, लाइक HTML 4.1 वॉज देयर, HTML 4 वॉज देयर, देर वॉज वन मोर थिंग कॉल्ड XHTML. ये सब पुराने वर्जन्स थे. ठीक है, और आज भी इनके ऊपर आप वेब पेजेस बना सकते हो, बट सबसे रिसेंट और सबसे पावरफुल वर्जन इज HTML5. ठीक है, सो अगर आप ये स्पेसिफाई कर रहे हो, HTML यहाँ पर लिख रहे हो, तो ब्राउजर को समझ में आ जा रहा है कि ये HTML5 में ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है. एंड इट्स एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि इसके बिना कोड नहीं चलेगा, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको लिख दिया करो. ठीक है, HTML5 क्या है? HTML5 में यार बेसिकली कुछ नए टैग्स ऐड हुए हैं, जो सबसे रिसेंट वाले टैग्स हैं, उनको हम सेमेंटिक टैग्स बोलते हैं. हम लोग एक पूरा वीडियो उसके ऊपर पढ़ाई करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जहाँ पे हम HTML5 और उसके नए टैग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि वेन एवर यू आर राइटिंग अ HTML डॉक्यूमेंट, द फर्स्ट लाइन दैट यू शुड राइट इज दिस. ओके, नाउ आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड द HTML टैग. दिस इज लाइक द पेरेंट टैग, हर टैग का बाप है. ठीक है, जितना भी आप HTML लिखोगे सब कुछ इसके अंदर ही आता है. Everything will be inside this. So the first thing is doc type and the second thing that you write is HTML tag, right? Now inside the HTML tag there are two more tags. The first one is the head tag, जो कि ऐसा दिखाई देता है, और the second thing is body tag, ठीक है, जो ऐसा दिखाई देता है. ओके, सो फिर से एक बार हायरार्की समझते हैं. डॉक टाइप, उसके बाद HTML, और HTML के लाइक दो बेटे हैं, हेड और बॉडी. सो हेड में आप क्या करते हो, दूसरे फाइल्स के साथ इस डॉक्यूमेंट को लिंक करते हो. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू डू इनसाइड हेड. ठीक है, यहाँ पे आप CSS फाइल और JavaScript फाइल्स के साथ लिंक करते हो अपने HTML को. दिस इज़ वन टास्क. इसका एक और टास्क होता है, मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूँगा. और उसके बाद बॉडी में ही, बॉडी इज़ बेसिकली योर विजिबल एरिया. लाइक जो भी आप यहाँ पे लिखोगे ना, वो एक्चुअली ब्राउजर के अंदर दिखाई देता है. तो बॉडी के अंदर जो लिखोगे वही जाएगा ब्राउजर पे. ठीक है, सो बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पर ये इंडेंटेशन यूज़ किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. जब आप करोगे तब भी आपको फॉलो करना है इंडेंटेशन. वाई? बिकॉज HTML डॉक्यूमेंट बहुत बड़े हो जाते हैं, लाइक 1000 लाइन्स के भी होते हैं. तो वहाँ पर अगर आपने इंडेंटेशन नहीं रखा है और सब कुछ को एक ही लाइन से लिख दिया है ना, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है उसको डीबग करने में या उसमें चेंजेस करने में. सो जस्ट बी केयरफुल कि आप इंडेंटेशन दो. ठीक है, नाउ उसके बाद क्या होता है, हेड के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा देना चाहिए, इट्स सजेस्टेड, टाइटल टैग. सो वॉट एवर यू राइट इनसाइड माई, इनसाइड योर टाइटल, लेट्स से माई वेब पेज यू हैव रिटन दिस, वो एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल शो यू ये कैसा दिख रहा है. आई विल गो बैक टू द ब्राउजर एंड आई विल रीलोड दिस एंड यू विल सी कि कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा. बट अगर आप यहाँ पर टाइटल के ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो लिखा रहा है माई वेब पेज, राइट, एंड दिस टाइटल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू वाई. लेट्स से हम गूगल पे जा रहे हैं और हम लिख रहे हैं HTML बेसिक लेआउट. लेट्स से हमने ये सर्च किया. अब यहाँ पे देखना गाइस, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं गूगल में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CSS वेबसाइट लेआउट. जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हो, ये देखो इसके टाइटल में एग्जैक्टली वही चीज़ लिखा है जो गूगल ने फेच किया. ये देखो, आई टेक दिस वन, HTML हाइफन या वॉट एवर दिस इज़ लेआउट्स. इस पर क्लिक करने से ये देखो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ है. तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि टाइटल को पकड़ के गूगल क्रॉल करता है आपके पेज को, और वही यहाँ पर ये ब्लू कलर में आता है. दिस इज़ द टाइटल ऑफ वेब पेज, ये एग्जैक्टली वही डिस्प्ले हो रहा है. सो इट्स वेरी वेरी रिकमेंडेड कि आप जब भी वेब पेजेस क्रिएट करो आप ये टाइटल डालो, क्योंकि जब गूगल आपके पेज तक क्रॉल करके जाएगा और उसको अपने यू नो एल्गोरिदम में डाल करके डिस्प्ले करेगा, तो इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपके वेब पेज में टाइटल हो. ठीक है, आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया. द नेक्स्ट थिंग इज कि आप बॉडी के अंदर आप सारा काम करते हो. जैसे आपने जो H1 डाला था, दिस इज अ हेडिंग, वो आप यहाँ पे करोगे. उसके नीचे अगर आपने पैराग्राफ डाला था, वो भी आप यहाँ पे करोगे. दिस इज अ पैरा.
आप यहाँ पे करोगे सारा चीज़, ठीक है। अब आप जैसे सेव करके इसको रन करोगे और रीलोड करोगे, यू विल गेट द सेम कोड। बट ये जो आपने अभी कोड लिखा है ये सही तरीका है कोड लिखने का, ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गया। अब आगे से हम जितने भी नए टैग्स पढ़ेंगे वो सब हम लोग बॉडी के अंदर डालेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर से नोटिस करना कि मैंने ये इंडेंटेशन दिया है, बिकॉज H1 का पेरेंट कौन है, बॉडी, बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML, ठीक है। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज हाउ टू राइट कमेंट्स, बिकॉज कमेंट्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सो आप HTML में कमेंट्स ऐसे लिखते हो, आई टेल यू दिस इज अ कमेंट, गाइस दिस इज अ कमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, लाइक बाकी लैंग्वेजेस में इट्स वेरी इजी, डबल स्लैश कर दिया या स्लैश मार के एस्ट्रिक लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, बट दिस इज हाउ यू राइट अ कमेंट इन HTML, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।